हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजना भारद्वाज फिटनेस ब्लॉगर। तो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है और रोज की तरह मैं आ गई हूँ आपसे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एक्सरसाइज करवाने। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं रोज आ जाती हूँ आपसे एक्सरसाइज करवाने के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी रोज आ जाते होंगे अपनी एक्सरसाइज मेरे साथ करने। तो आपको पता ही है कि एक तो एक्सरसाइज हमें रोज करनी है, एक भी दिन मिस नहीं करना। चाहे आप रोज ना 15-20 मिनट की ही एक्सरसाइज करो, पर रोज करो, ठीक है। ये नहीं कि आज हमने एक्सरसाइज की फिर 3 दिन का या 2 दिन का गैप ले लिया फिर अगले दिन शुरू की। आज हमने एक दो मतलब आधा एक घंटा एक्सरसाइज कर लिया, जैसे 2-3 दिन का गैप ले लिया फिर दोबारा शुरू कर दी। दोस्तों ऐसे असर नहीं होता, चाहे हम थोड़ी थोड़ी ही एक्सरसाइज करें और रोज करें तो हमें काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और आपको क्या करना है, जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमें खाने पीने का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ घर का खाना खाना होता है और टाइम खाना खाना होता है, हमें ना एक डिसिप्लिन में रहना होता है कि भाई हमने 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट करना है, 2 बजे अपना जो है अपना लंच करना है और 6-6:30 बजे जो अपना डिनर करके खत्म कर देना है। और जितना जल्दी आप डिनर करने की आदत डालोगे ना, मैं आपको गारंटी बोल रही हूँ, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि हमें बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ गया है हमारा और हमें गैस्ट्रिक की दिक्कत होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से आप फ्री हो जाओगे। बस आपको थोड़ा सा जल्दी डिनर करना है। मैं ना बताने में आऊँ ना कि जल्दी डिनर करने के फायदे कितने हैं, तो इसके मतलब आप गूगल पर सर्च कर लेना, जल्दी डिनर करने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। मतलब ये तक देखा गया है कि जिनको अटैक आता है ना, वो मोस्टली जो लेट नाइट डिनर करते हैं और बहुत ही हैवी डिनर करते हैं, उनमें ये समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिली है कि उनको हमेशा छाती में पेन रहता है, गैस्ट्रिक की दिक्कत रहती है। क्योंकि हम लेट खाना खाएंगे, हमारे लीवर को भी रेस्ट नहीं मिलेगा, हमारे पेट को भी रेस्ट नहीं मिलेगा और पूरी रात खाना पचाने लगा रहेगा और जब तक मॉर्निंग हो जाएगी और हम अगला ठूस लेंगे, इससे गैस्ट्रिक की दिक्कत होती है। अगर आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है तो ये आगे जाके अटैक का कारण भी बनती है। तो दोस्तों आपको जो है हमेशा 6:30 बजे ही डिनर कर पा रहे हो, 7 बजे डिनर कर लो अपना, ठीक है। और एक्सरसाइज तो रोज आपको करनी ही करनी है और एक्सरसाइज से तो हम पतले होते ही हैं, साथ में हमें बहुत सारी बीमारियों से भी दूर रहते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ, आज मैं आपको बताऊंगी कुछ बैठ के बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज, जो बोलते हैं ना कि हमारा साइड का फैट वेयर कम नहीं होता और हम जब झुकते हैं तो हमारा ये कमर भी दुख जाती है, ठीक है। तो आज बैठ के करते हैं हम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एक्सरसाइज, ठीक है। इस तरह से आपने टांगे खोल लेनी है, जितनी भी टांगे आप खोल पा रहे हो उतनी खोल लेनी है। मैं इतनी टांगे खोल सकती हूँ, आपको भी इतनी टांगे खोल लेनी है, ठीक है। अब क्या करना है, 1, ठीक है, हमने अपने पैरों को छूने की कोशिश करनी है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पैरों को छूने की कोशिश करनी है। बहुत इजी से आप कर पाओगे, साथ में ना इससे हमारा कमर का फैट जो है, साइड का फैट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो शुरू हो जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, हमारे साइड कमर में खिंचाव महसूस हो रहा है, उसी से जो है हमारा साइड का फैट बहुत जल्दी बर्न हो जाता है, साथ में इससे हमारा ना आर्म्स फैट भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है दोस्तों, इसको सब कोई बहुत इजी से कर सकते हैं, बिगिनर के लिए भी बेस्ट है, हैवी वेट वालों के लिए भी बेस्ट है। एज ग्रुप वाले अभी ज्यादा टांगे नहीं खोल रहे हैं, वो इतनी खोलो और वैसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी एक्सरसाइज है कोशिश करते हो कि सब कोई कर सके, एज ग्रुप वाले इस तरह से कर सकते हैं, 1, 2, 3 जो कर सकते हैं इतनी टांगे खोलनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों मैंने
लिए इसके आई थिंक 80 सेट कर लिए। ये इतनी सिंपल एक्सरसाइज है ना, आप इसके 100 सेट भी बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, 100 तक तो आपने करने ही करने हैं, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। ओके, आप ये हमारे साइड इफेक्ट के लिए भी होगी, आर्म्स फैट के लिए भी होगी। हम एक एक्सरसाइज ऐसी करेंगे ना जो हमारा बेली फैट तो कम करेगी करेगी, साथ में हमारा फुल बॉडी फैट लॉस करेगी, हमारी बॉडी को एक तरह से वो स्लिम ट्रिम बना देगी। बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से हमने बैठ जाना है, इस तरह से बैठ गए आप, ठीक है, और इस तरह से चले गए। ठीक है, 1 2, ठीक है, आराम आराम से करना है, ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप 2 मिनट ना इस तरह से ऐसे रहते हो ना, मतलब 2 सेकंड 2-3 सेकंड इस तरह से, तो हमारा बैली भी आर्म्स भी पूरी बॉडी का फैट बर्न होता होता है, साथ में हमारी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। ओके, बहुत ही सिंपल है, ऐसे जाना है आपने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 9 ओके एंड 10 ओके। तो दोस्तों मैंने इसके 20 सेट किए, आप बिगिनर हो इसके 50 करो। ठीक है, अगर 100 तक ले जा सकते हो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आप पहले दिन 2 दिन 3 दिन आप 100 तक नहीं कर पा रहे हो, स्टार्टिंग में 50-50 करो, रोज 3-4 दिन तक आपने 50-50 सेट कर लिए, आप खुद देखोगे आपका बैली बहुत जल्दी अंदर चला जाएगा। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एक्सरसाइज है ये। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि हम खड़े होंगे उछलेंगे कूदेंगे तभी हमारा वजन कम होगा, जी नहीं, हम इस तरह की एक्सरसाइज करके भी अपना वजन बहुत जल्दी कम कर सकते हैं और बहुत हेल्दी रह सकते हैं। ओके दोस्तों, मेरे एक तो दिल नहीं मानता, मैं सोच रही हूँ आपसे 2-3 एक्सरसाइज करवा दूं, मेरा अपना हमेशा यही कोशिश रहता है कि मैं आपको ना अच्छे से अच्छे रिजल्ट दूं। कोई जो कोई भी मेरे पैर पर सब्सक्राइबर जो मुझे देख रहे हैं, जो वो मेरी एक्सरसाइज करें और उनको असर हो और वो मुझे बताएं कि हमें असर हुआ है, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बीच बीच में टिप्स भी बताती रहती हूँ कि आप ये खाओ ये मत खाओ, ये करो ये मत करो, ये एक्सरसाइज करो ये मत करो। ठीक है, उस सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ ताकि मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे आपको कुछ बताने में और सिखाने में, बाकी आपको जो मैं बताती हूँ आपको चीजें रेगुलर करनी ही है। ठीक है, ठीक है, आप इस तरह से करो चाहे इस तरह से करो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारे बैली फैट के लिए और फुल बॉडी फैट लॉस के लिए बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका हाथ पैरों तक नहीं पहुंच रहा है, घुटनों तक पहुंच रहा है, यहां तक पहुंच रहा है, 1 2 3 यहां तक पहुंचाओ जहां तक भी आपका हाथ पहुंच रहा है, पर पहुंचना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करने से मतलब है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों इसके लिए आपने कम से कम 50 सेट कर लो, बिगिनर को 50 सेट कर लो, धीरे धीरे बढ़ा दो। बाकी रोज तो मैं हूं ही आपसे एक्सरसाइज करवाने के लिए, जितने सेट में मैं आपको बोलूं उतने सेट आपको करने हैं,
कोशिश करनी है कि आप अपना वर्कआउट खाली पेट करो, वो उससे ना बहुत जल्दी असर होता है। ओके, अगर नहीं मॉर्निंग में कर पा रहे हो इवनिंग में करो, बस 2 घंटे हुए होने चाहिए आपको खाना खाए हुए। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज, आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बाय बाय।